अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितनी काइंड्स में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। The words are divided into different kinds or classes called parts of speech. जितने भी words हम इस्तेमाल करते हैं English में, उनको हमने different categories में divide कर दिया, different kinds में divide कर दिया, उन्हीं को उन्होंने naming दे दी है और उसको parts of speech कहते हैं। अब ये देखते हैं कि parts of speech को कितनी हिस्सों में divide किया गया है। So total 8 parts of speech है English grammar में। सबसे पहले आ जाता है नाउन। नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ नोन एज द नेमिंग वर्ड। ऑल राइट, सो नाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो कि नाउन है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ थिंग, उसको हम नाउन कहते हैं। जितने भी किसी शख्स का नाम हो, जितनी भी चीज़ें हैं उनका नाम, दुनिया में जितने भी जगह हैं उनका नाम, उन सबको नाउन कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अकबर वाज द ग्रेट किंग। इसमें हमारे पास जो अकबर है वो नेम ऑफ पर्सन है, सो हम इसको कहेंगे कि ये नाउन है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कराची इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी। इसमें हमारे पास कराची जो है वो नेम ऑफ प्लेस है, तो ये भी नाउन की ही एग्जांपल में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डू नॉट ड्रैग द चेयर्स। इसमें जो वर्ड चेयर्स है वो एक थिंग है, तो ये भी नाउन की एग्जांपल में आएगा। अब क्लियर हो गया कि नाउन हम किसको कहते हैं? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग। थिंग कुछ भी हो सकता है, चेयर हो सकती है, बायरो हो सकती है, पेन हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, मोबाइल हो सकता है, तो ये नाउन हो गया। इट इज़ क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट काइंड, जो कि हमारे पास आ जाती है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है ये देखते हैं। प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट वर्ड्स। सो प्रोनाउन क्या हो गया? जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। दैट सारा इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एज शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब सेंटेंस हमने स्टार्ट किया, सारा इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पर जो सारा है वो नाउन है। एज शी जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो सारा की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो जो वर्ड्स नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में प्रोनाउन है शी और नाउन है सारा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स यहाँ पर थिंग है, नेम ऑफ थिंग है, तो वो नाउन में आएगा। और नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल हुआ है वर्ड वो है देम। देम यहाँ पर हम कह रहे हैं बुक्स को। बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो देम यहाँ पर प्रोनाउन है। होप सो कि आपको प्रोनाउन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग को कहते हैं, और नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ड होता है। वर्ब इज़ द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। जहाँ पर भी कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, वो कहलाएगा वर्ब। एक एग्जांपल लेते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क। इसमें ड्रिंक्स जो है वो मतलब वो दूध पी रहा है, तो इसमें ड्रिंक्स जो है पी रहा है वो एक काम कर रहा है, तो ये एक्शन वर्ड है। तो ये हो गया वर्ब। एक और एग्जांपल है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न।
रोट जो है राइटिंग की फॉर्म है, तो रोट जहाँ पर वर्ब है, बिकॉज गर्ल इज डूइंग एन एक्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव बेसिकली एडिशन का काम करता है. एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव इज द वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. जो नाउन में एडिशन करेगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रेव बॉय. यहाँ पर ही जो है वो है नाउन, और ब्रेव जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज एडजेक्टिव इज़ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. यहाँ हम किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी हम क्वालिटी को बयान कर रहे हैं कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय. हम ये भी कह सकते थे दैट ही इज़ अ बॉय, बट जो हम नाउन के मीनिंग्स में कुछ जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर देंगे ही इज़ अ ब्रेव बॉय. इससे हमें पता चल जाएगा कि नाउन के ही मीनिंग्स में हम कुछ एडिशन कर रहे हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास. अब यहाँ पर जो वर्ड 20 है वो एडिशन कर रहे हैं नाउन के मीनिंग्स में. सो अब हम एडवर्ब को देखते हैं जो कि फिफ्थ काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच की. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज़ द वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब को और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, वर्ब एक्शन वर्ड होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन में के मीनिंग्स को नाउन के मीनिंग्स में एडिशन करता है. वर्ड्स ले लेते वर्ड्स जैसा कि क्विकली, स्लोली, बैडली, रियली, ये सब एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. एग्जांपल एक है, ही वर्क द सम क्विकली. यहाँ पर जो वर्ड क्विकली इस्तेमाल हुआ है ना, वो वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग्स में एडिशन कर रहा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर मैं एडवर्ब को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो एडवर्ब का क्या काम है कि वो क्वालिफाई करता है वर्ब को और एडजेक्टिव को. लेट्स टेक एन द एग्जांपल, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट. इसमें जो रनिंग है वो वर्ब है, बिकॉज एक्शन यहाँ पर हो रहा है. वेरी जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब है, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और वो वर्ब के मीनिंग्स में एडिशन कर रहा है. मैं ये भी कह सकती थी कि ही इज़ रनिंग फास्ट, बट अगर हम ये कहें ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो यहाँ पर एडवर्ब जो है वो ऐड कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है वर्ब के मीनिंग्स में. होपफुली आपको अब एडवर्ब की भी अच्छे से समझ आ गई होगी. Now moving to the next part, that is preposition. Preposition क्या होता है? Preposition are the words used with the noun or pronoun. Preposition ऐसे words होते हैं जो noun और pronoun के दरमियान लगते हैं, noun और pronoun के साथ लगते हैं, ताकि उनमें connection बना सके, उनमें bond बना सके. Let's take an example. There is the cow in the garden. सेंटेंस में काऊ भी नाउन है और गार्डन भी नाउन है, तो इन दोनों के दरमियान जो वर्ड इन है वो एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, जो कि कनेक्शन बना रहा है नाउन के दरमियान. इफ़ आई से देयर इज़ अ काऊ और इन अगर मैं ना कहूँ द गार्डन, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा. इसलिए प्रेपोजिशन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन बनाते हैं. सो वर्ड्स लाइक ओवर, बिहाइंड, ऑफ, अंडर, इन, ये सब प्रेपोजिशन है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कंजक्शन. कंजक्शन आर द वर्ड्स यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. ऐसे अल्फाज जो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस अगर हों उनको आपस में जोड़ें, उनको हम कंजक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन.
यहाँ पर जो वर्ड बट है वो कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, आई रैन फास्ट ये एक सेंटेंस है, और मिस द ट्रेन ये एक सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। इन दोनों के दरमियान जो वर्ड कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है वो बट है, जो कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। एक और एग्जांपल है, मोहसिन एंड दानिश आर कज़न्स, इसमें एंड जो वर्ड है वो भी कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज़ ये दो वर्ड्स मोहसिन और दानिश जो कि नाउन हैं उनको आपस में ज्वाइन कर रहा है। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ इंटरजेक्शन। देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमारी सडन इमोशंस को, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई भी न्यूज़ सुनी है तो सडनली जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा वी वॉन द गेम, इसमें जो वर्ड हुर्रा है वो हैप्पीनेस को जाहिर कर रहा है। जब हम हैप्पी होते हैं तो हम हुर्रा बोलते हैं, तो ये इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एक और वर्ड है अलास, शी इज़ डेड, इसमें जो वर्ड अलास है ये भी इंटरजेक्शन है, जो कि हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और जब सैड फीलिंग्स होती हैं तब अलास बोला जाता है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।